क्लियर है सर वो तो आ रहा है बाकी हर्ष और अनुपम ये है सर ठीक क्योंकि उसमें है कुछ नहीं है सर ठीक है टैग वगैरह है सर तुम लोग बता देंगे ये वेबसाइट से देख लो एक बार बस और क्या है पर काफी कुछ बता, दन, काफी बता दिया है काफी बता दिया है हम्म हम्म अभी क्या है कि अभी सारे ट्रेनर्स को भी यही दिया हुआ है कि अपने कम सिखाओ लड़का को ज्यादा काम तो करने के लिए तो करो, करो, दो, दो, खुद से पढ़ेंगे खुद से ही पढ़ के हम लोग कुछ कर सकते हैं और अब तो दो तीन दिन बचा हुआ है यही दो तीन दिन में हम लोग है क्योंकि पाइथन में ज्यादा टॉपिक नहीं अच्छा है जाएगा मल्टी रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन कंप्लीट जो नया साल में दो तारीख से जो क्लास स्टार्ट होगा एक तारीख को छुट्टी रहेगा दो तारीख से जो स्टार्ट होगा वो पूरा का पूरा डेटा डेटा एनालिटिक्स पे काम चलेगा ये साइंस वाले बैच में मतलब वेब स्क्रैपिंग ये सब सारा पे काम चलेगा तब तक एच जाएगा एमल काफी है वेब स्क्रैपिंग करने के लिए डेटा कलेक्शन वगैरह वेबसाइट को कैसे स्क्रैप करना है ठीक है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग का थ्योरी हो चुका है कि लॉजिकल एरर एक तो था सिंटेक्स एर ठीक है चलो हम लोग यहां पे क्या करते हैं ऑनलाइन जी डी पी डॉट कॉम लैंग्वेज चूज करते हैं पाइथन ये पाइथन थ्री अगर हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि नम इक्वल टू थ्री कॉमा ऐसे लिख देते हैं इसको रन करो एक बार लिखो प्रिंट नम रन करो ते क्या दे रहा है थ्री कॉमा एक बार चेक करो इसको इसका डेटा टाइप क्या है प्यूपल दिखा रहा है एक ही एलिमेंट है ठीक है दो बार कॉमा दे दो गलती दिखाएगा यह किस तरह की गलती है सिंटेक्स एरर क्योंकि दो कॉमा कैसे हो सकता है एक कॉमा हो सकता है अगर तुम यहां पे एक भी कॉमा मत दो दिखाएगा इंटीजर है तो ना इंटीजर किस टाइप का है इंटीजर टाइप का ये वैल्यू है अब कॉमा दे दिए तो ट्रिपल हो गया मतलब एक ही है तुम्हारे ट्रिपल में एक ही डेटा है ठीक है अब दो कॉमा दे दिए, दिए तो सिंटेक्स वाइज गलती है तो ये सिंटेक्स एरर है ये एक्सेप्शन नहीं है

ठीक है अगर मान लो हम यहां पर ऐसा कुछ करते हैं हेलो पाइथन ठीक है रन करो ये सिंटेक्स एरर है जब सिंटेक्स एरर होता है तो देखो तुम्हारा ये तो लाइन मेरा सही था ना लेकिन ये लाइन काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक छोटा सा भी अगर सिंटेक्स एरर आ गया पूरा प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर छोटा सा भी एक एरर आ गया तो पूरा प्रोग्राम काम नहीं करता है देखो लेकिन अगर वो लॉजिकल एरर रहता है तो जितना दूर तक सही है उतना दूर तक काम करेगा जहां गलती है सिर्फ वहां पे काम नहीं करेगा वो ये दोनों में डिफरेंस है अगर सिंटेक्स एरर है ये देखो सिंटेक्स ग्रामेटिकल एरर है अगर तो पूरा प्रोग्राम ही काम नहीं करेगा देखो ये तो सही है ये तो काम करना चाहिए था बट ये भी काम नहीं करेगा पूरा प्रोग्राम में कहीं भी अगर गलती होगा अगर सिंटेक्स एरर हो गया तो पूरा प्रोग्राम काम नहीं करेगा और अगर लॉजिकल एरर रहा तो प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो जितना दूर दूर तक तक सही उतना तो तो काम करेगा जहां गलती है वहां से बाहर निकल जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं नम इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई जीरो भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे ना तो वो गलती मतलब एक्सेप्शन है वो फिजिकल एरर नहीं है ये लॉजिकल एरर है प्रिंट नंब अब सोरन करो देखो हेलो पाइथन प्रिंट किया और जहां गलती मिला उसके बाद से वो काम नहीं करेगा मतलब तो यहां गलती मिल गया वहीं से एब्नॉर्मल टर्मिनेट कर गया प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट नहीं किया एब्नॉर्मली टर्मिनेट किया एब्नॉर्मली बाहर निकल गया नॉर्मल बाहर निकलता तब तो सारा काम करके बाहर निकलता है और एब्नॉर्मली टर्मिनेट किया मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है बीच से ही बाहर निकल गया तो एक्सेप्शन इसको बोलते हैं हम लोग है ना जीरो डिवीजन एरर ये जीरो डिवीजन एरर है डिवाइड बाय जीरो तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन अगर कोई एरर रहता है सिंटेक्स एरर फिजिकल एरर ग्रामेटिकल एरर तो पूरा प्रोग्राम काम नहीं करता ये हेलो पाइथन भी प्रिंट नहीं करता अगर यहा कोई यहाँ कोई सिंटेक्स एरर रहता तो चलो यहाँ कॉमा दे दो अब रन करो क्या बोल रहा है अच्छा ये कॉमा दे दिया ना एक और कॉमा दे दो अब सिंटेक्स एरर है जब सिंटेक्स एरर होगा है ना इनवैलिड सिंटेक्स ये क्या बोल रहा है इन सिंटेक्स, ये सिंटेक्स एरर इन वैलिड सिंटेक्स का मतलब ये सिंटेक्स एरर है और जब सिंटेक्स एरर होगा तो कोई लाइन कोई स्टेटमेंट तुम्हारा काम नहीं करेगा अगर सिंटेक्स एरर होगा

उसको प्रोग्राम में उसको प्रोग्राम में अगर कहीं पे भी देखना जब थ्योरी क्लास बताए थे ना अगर किसी को नहीं देखे होगे तो वो वीडियो देख लेना थ्योरी वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग वाला कि जितना भी तरह का लॉजिकल एरर होता है हर लॉजिकल एरर को हैंडल करने के लिए यहां पे पहले से क्लास बना के रखा हुआ है और जिस तरह का लॉजिकल एरर प्रोग्राम में मिलता है उस तरह का उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक थ्रो होता है थ्रो मतलब एक ऑब्जेक्ट बनता है और बना के उसको थ्रो कर देता है थ्रो कर हैं। कर करने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह का एरर होगा तो हर तरह के एरर को हैंडल करने के लिए यहां पहले से क्लास बना के रखा हुआ है तो अगर तुम हैंडल करते हो तब तो ठीक है तो बाहर नहीं निकलने देगा लेकिन अगर तुम हैंडल नहीं करते हो तो वहीं से वो थ्रो कर देगा बाहर निकल जाएगा मतलब वो थ्रो करता किए तो, तो, कर तो, कर मतलब कि कर तो फंस जाओगे फिर फंस जाओगे मतलब पूरा प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाएगा ये तो जितना दूर तक सही था उतना दूर तक काम करेगा जहां सही नहीं था वहां काम नहीं करेगा तो देखो हेलो पाइथन प्रिंट किया यहां ये यह लॉजिकल रखा सिंटेक्स गलत आ रहा है

अच्छा तो जीरो से डिवाइड कर रहे हो एक्सेप्शन है तो ये क्या किया उस एक्सेप्शन का जो क्लास होगा क्योंकि हर तरह के एक्सेप्शन के लिए वहाँ पे क्लास बना, में. में बना तो के रखा गया है जीरो एरर। समझ रहे हो ना ये क्लास का नाम है जीरो डिवीजन एरर, तो एरर का क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गया यहाँ पे और उसको थ्रो किया तो यहां तो गए जब थ्रो किया तो थ्रो किए तो तुम तो यहां पे कैच नहीं किए हो इसका मतलब प्रोग्राम से बाहर अगर कैच नहीं किए हो तो प्रोग्राम से बाहर और अगर कैच कर लेते तो प्रोग्राम से बाहर निकलने नहीं देता हम उसको कैच करके बोलते कि बाबू रुको अभी थोड़ा सा ये ऐसे कर लो उसके बाद जो लाइन रहता है वो अपना काम करता तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम से बाहर ना निकले या है? ये बाई पाइथन है

तो तो प्रोग्राम गलत हो गया। कुछ-कुछ तो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है डेवलपर के हाथ में कुछ कुछ चीजें यूज़र तो, तो, तो इसके लिए क्या है, कि अगर टाइम एरर कहीं पे आता है जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस टाइम में अगर कोई एरर आता है तो उस तरह के एरर को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं और एक्सेप्शन को यहां पे एक बार अगर एक्सेप्शन आया तो ये पूरा प्रोग्राम वहीं से बाहर निकल जाता है तो हम लोग चाहे तो एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हैं कैसे हैंडल करते हैं तो एक ट्राई ब्लॉक होता है हमको ऐसा अगर लग रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम मतलब इस स्टेटमेंट में आ सकता है तो उस स्टेटमेंट को ट्राई के अंदर लिखना ठीक है तो ट्राई के अंदर लिख दिए नम फाइव है और प्रिंट नम ये ट्राई के अंदर है ये क्या है ट्राई के अंदर है अब यहां पे क्या करो एक्सेप्ट एक्सेप्ट में क्या कर दिया हम लोग प्रिंट एक्सेप्शन ऑकर्ड ठीक है इसका मतलब क्या हुआ समझने की कोशिश करना पहले हेलो पाइथन प्रिंट किया ट्राई में घुसा ट्राई का मतलब हम उसको पहले ही अलर्ट कर दिए पहले ही बता दिए पाइथन को कि भाई तुम्हें काम करना हम ट्राई स्टार्ट कर दिए इसका मतलब उसको बता दिए कि तुम्हें काम करना कि ट्राई के अंदर जितना लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा वहां पे तो बाहर मत निकल जाना उसको हैंडल करने के लिए यहाँ जाना एक्सेप्ट में और अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो अपना काम करेगा उसके बाद बाहर आएगा मतलब ये एक्सेप्ट क्या है अगर एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्ट काम करेगा एक्सेप्शन नहीं आया तो एक्सेप्ट काम नहीं करेगा

2.5 प्रिंट किया ट्राई खत्म एक्सेप्ट काम नहीं करेगा क्या होगा बाय पाइथन एक्सेप्ट तब काम करता है जब ट्राई में कोई एक्सेप्शन आता है तो देखो रन करा उसको आया हेलो पाइथन 2.5 नम में हुआ 2.5 प्रिंट किया है। इसके बाद प्रिंट बाय पाइथन क्योंकि एक्सेप्ट काम नहीं करेगा और वही मान लो 5/0 कर दो तो तो कैसे आएगा हेलो पाइथन ट्राई में गया यहां पे एक्सेप्शन मिल गया उसको तो जहां एक्सेप्शन मिलता है वहीं से बाहर निकल जाता है तो यहीं से थ्रो करेगा वो ये प्रिंट के पास नहीं जाएगा जहां एक्सेप्शन मिला वहीं से वो एफ नॉर्मली टर्मिनेट करने का कोशिश किया थ्रो किया लेकिन ये उसको पकड़ लिया एक्सेप्ट बोला रुको रुको अभी हम यहां पर बैठे हुए हैं टेंशन मत लो पहले मेरे पास आओ अगर एक्सेप्ट नहीं रहता ये एक्सेप्ट क्या है उसको पकड़ने के लिए है हाथी और ऊंट वाला कहानी सुने हो ना कि हाथी जब पागल होता है पगड़ाता है तो ऊंट उसको पकड़ के कर ठंडा करता है वही चीज है कि अगर हम सिर्फ ये हाथी उथी कुछ नहीं लिए हैं

तुमको क्या एक्शन लेना है तो चलो फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग फिलहाल क्या कर जाएगा क्योंकि ट्राई एक्सेप्ट है खत्म नहीं होने देगा इसको यहाँ एक्सेप्शन आया तुरंत यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ये इसको पकड़ लेगा बोलेगा रुको अभी आओ मेरे पास हम तुमको समझाते हैं इसका मतलब तो इसके पास आया तो ठंडा हो गया जितना उसका दिमाग खराब था यह ठंडा हो गया ये क्या बोल दिया बस एक्सेप्शन ऑकर्ड यहाँ प्रिंट करेगा एक्सेप्शन ऑकर्ड बाहर निकलो मैंने उसको बाहर प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलने देगा ये नॉर्मली इसको पकड़ के रखेगा फिर आगे बढ़ेगा आगे में क्या है बाई पाइथन रन करो आया हेलो पाइथन यहां देखो ये प्रिंट नम काम कर रहा है प्रिंट नम काम नहीं कर रहा ठीक है तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो यहीं से बाहर निकलने को कोशिश किया तब तक ही पकड़ लिया उसको यहीं से लाइन नंबर थ्री से बाहर निकलने की कोशिश किया तब तक ही उसको पकड़ लिया और बोला वो हम तुमको समझाते हैं क्या करना है तो ये सिर्फ प्रिंट कर दिया एक्सेप्शन ऑकर्ड इसका मतलब बंद कर दिया उसको अब आगे बढ़ो नॉर्मली बाय पाइथन इसके बाद कुछ और लिखो वो भी काम करेगा तो ये होता है ट्राई एक्सेप्ट बोलो तीनों लोगों को ये समझ में आया ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है या कोई डाउट हो रहा है ठीक hmm? yeah. है चलो एक प्रोग्राम करते yeah, हैं एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं हम लोग एक चलो लिस्ट बनाते हैं देखो एल एस टीवल टू टूल्व थर्टी फोर फिफ्टी सिक्स सेवेंटी सेवन एटी एट प्रिंट एल एस टी का तीसरा इंडेक्स आउटपुट क्या आना चाहिए जीरो वन टू थ्री सेवेंटी सेवन आया, 77. 3 का मतलब आ गया। इंडेक्स तो आउट रेंज हो गया। क्या बोल रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जो लिस्ट का इंडेक्स दिया लाइन नंबर थ्री है ना लाइन नंबर थ्री में जो यहाँ पर लिखे हो एल एस टी फाइव इसमें लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसका मतलब इंडेक्स है ये तो रन टाइम में इसको एरर मिल गया ना इसको एक्सेप्शन बोलते हैं तो देखो ऊपर में हेलो पाइथन प्रिंट किया है क्योंकि ये एरर नहीं है कहीं पे हम ऐसा नहीं कि कॉमा छोड़ दिए हैं ओपन किए तो क्लोज नहीं किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए तो क्लोज नहीं किए कोई गलत वेरिएबल लिख दिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है सब कुछ सही है देखो, देखो देख के कोई बोलेगा गलत है सब कुछ सही है लॉजिकली गलत है मान लो ये तो हम दिए अगर हम यूजर से पूछते तो कि भाई तुम इंडेक्स नंबर बोलो और वो देता टू तो जीरो था अगर यूजर दे देता पचास तो गलत हो जाता है तो ऐसा चीज इसको हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं जो सिंटेक्स वाइज सही है क्योंकि हम लोग लिस्ट का नाम लिखते हैं square bracket के अंदर में उसका index number लिखते हैं, सब सही है यहाँ पे कोई बट यहां पे एक्सेप्शन है लॉजिकल गलती है ये क्योंकि पांच नंबर कैसे हो सकता है पंद्रह लिख दो कैसे हो सकता है तो हेलो पाइथन ठीक है, पाई है क्यों क्योंकि एक बार एक्सेप्शन मिला वहीं से प्रोग्राम से बाहर हम चाहते हैं इसको हैंडल करना है। इसको क्या करोगे ट्राई ट्राई किए एक्सेप्ट प्रिंट हम इंडेक्स एरर सिर्फ प्रिंट करा दिए इसका मतलब ये प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलेगा

यहां पे वन दे दो अगर सही है तो फिर इंडेक्स एरर नहीं आएगा क्योंकि देखो हेलो पाइथन लिस्ट बना वन नंबर प्रिंट कराया तो बत्तीस बारह और चौतीस थर्टी फोर यहां पे प्रिंट हुआ 34 प्रिंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेप्ट के अंदर कब आएगा अगर यहां एक्सेप्शन है तब वो एक्सेप्ट के अंदर आएगा एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट में क्यों आएगा एक्सेप्ट क्यों बना है ट्राई के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तब ये उसको हैंडल करेगा जब प्रॉब्लम ही नहीं हुआ तो यहां आएगा ही नहीं इसके बाहर निकलो एक्सेप्ट के रन तो करवाएंगे तो कर तब और ऐसा नहीं होना चाहिए तो पूरा वहीं से प्रोग्राम से बाहर निकल गया उसके बाद बहुत कुछ लिखे हुए हैं वो सब सारा काम करना चाहिए बाहर नहीं निकलना है तो क्या करोगे ऐसा कोई लाइन जो लगता है कि रन टाइम में इसमें एक्सेप्शन आ सकता है उसको ट्राई के अंदर लिखना और अगर वहां पे एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्ट में जो करना है कर दो जो कोड लिखना है कुछ मैसेज प्रिंट करना है जो करना है सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद बीच से खत्म नहीं होगा बोलो समझ में आ रहा है सबको ये चीज ये ट्राई एक्सेप्ट ठीक yes, yes, है यस सर ठीक तो ये था ट्राई और एक्सेप्ट ठीक है अब इस पे क्या हुआ कि एक्सेप्ट जो है ना एक ट्राई एक ही होगा मतलब एक प्रोग्राम में तुम बहुत सारा ट्राई लिख सकते हो बट एक ट्राई का मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकता है एक ट्राई के अंदर में फिर से ट्राई लिख सकते हो कैसे नेस्टेड होता है इफ के अंदर में इफ इफ के अंदर में इफ तो ट्राई के अंदर ट्राई हो सकता है बट अगर कोई पूछेगा कि एक ट्राई का कितना एक्सेप्ट हो सकता है तो एक ट्राई के लिए हम मल्टीपल एक्सेप्ट लिख सकते हैं मान लो कि ट्राई के अंदर में आ, चलो यहां पे काम कर हूं नम इक्वाइड बाई जीरो रन करो ये क्या आया अच्छा एरर है एक्सेप्ट कहा गया जीरो डिवीजन एरर ये क्लास का नाम है ना चलो यहां पे क्या कर दिया हम लोग ठीक है। एक ट्राई का इक्वल तो टू कर देते हैं ठीक है अब देखो एक ट्राई है एक एक्सेप्ट दो एक्सेप्ट तीन एक्सेप्ट तो कुछ कुछ एक्सेप्ट में हम क्लास का नाम लिख दिए हैं और कुछ एक्सेप्ट में एक एक्सेप्ट में नहीं लिखे हैं कुछ भी हम ये दोनों का मतलब क्या है अब कि कहीं पे एक्सेप्ट के बगल में क्लास का नाम लिख रहे हैं मतलब एरर का लिख रहे हैं उसके बारे में किस तरह के एरर है और किसी एक्सेप्ट में एरर के बारे में नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ तो ये प्रोग्राम लोग तो से स्टार्ट हुआ हेलो पाइथन प्रिंट करेगा लिस्ट बना ट्राई के अंदर घुसा ये सारा तीनों का तीनों एक्सेप्ट इसी ट्राई का है ठीक है एक ट्राई का मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकता है क्यों होता है समझा रहे हैं तो नम इक्वल टू फाइव बाई टू तो यहाँ आया नहीं आया नम में क्या चला गया टू पॉइंट फाइव आगे बढ़ो मतलब तो एक्सेप्शन नहीं है आगे बढ़ो लिस्ट वन को प्रिंट किया 34 प्रिंट हुआ कोई एक्सेप्शन आया क्योंकि ट्राई ब्लॉक तो खत्म अब तो ट्राई के अंदर कुछ नहीं है तो ट्राई का सारा काम खत्म और कहीं भी एक्सेप्शन नहीं आया है तो कोई भी एक्सेप्ट काम नहीं करेगा सीधा और बाय प्रिंट देखो हेलो प्रिंट हेलो पाइथन प्रिंट किया लिस्ट बना ट्राई के अंदर फाइव बाई टू नम में गया नम में गया टू प्रिंट किया लिस्ट वन को वन में थर्टी है तो ये खत्म कोई एक्सेप्शन नहीं आया बाय पाइथन सही है प्रोग्राम अब तो अगर मान लो फाइव बाई जीरो कर दो तो तीन एक्सेप्ट है किस एक्सेप्ट के पास घुसेगा ये तीन तीन आदमी खड़ा है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बट तीनों आदमी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पे खड़ा है जैसे सबसे पहले एक्सेप्ट वाला कोई आदमी है वो खड़ा है किस तरह का जीरो डिवाइड अगर डिवीजन एरर आता है उस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ये है

कि अलग अलग टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए अलग अलग एक्सेप्ट बना दिए तुम कि अगर जीरो डिवीजन एरर आता है तो हम यहां पे कुछ काम करेंगे तो जो करना है अगर दो। अगर इंडेक्स एरर आता है तो हम ऐसा काम करेंगे और ये दोनों छोड़ के कोई भी आता है यूनिवर्सल सबके लिए हम ये काम करेंगे मैंने ये किसी से मैच नहीं करेगा मैंने ये सबके लिए हो होगा एक तरह से अगर ऊपर में कोई भी एक्सेप्ट काम नहीं किया तो ये काम करेगा फिर

देखो ज़ीरो डिवीज़न एरर 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 पे नहीं रहता अगर। यहां रहता अगर नंबर इंडेक्स तो जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो हेलो प्रिंट करेगा लिस्ट तो करना गया एल एस टी फिफ्टीन तो इसको गलती मिल गया इंडेक्स तो में गया तो पहले यहां पे आया जीरो नहीं है आगे बढ़ो दूसरा एक्सेप्ट इंडेक्स एरर है हाँ या इंडेक्स एरर है तो फिर ये उसको कैच कर लिया अब ये अंदर में तुम जो काम करोगे वो होगा मतलब ये क्या प्रिंट किया इंडेक्स एरर फिर ये काम नहीं करेगा कोई एक ही एक्सेप्ट काम करेगा ना तो इंडेक्स एरर प्रिंट किया फिर लास्ट में बाय पाइथन देखो मान लो हम इंडेक्स एरर नहीं देते तो जब कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं करेगा तब ये मैच कर जाएगा कोई भी एक्सेप्ट कोई भी एक्सेप्ट अगर मैच नहीं किया ये ये के अंदर में में होता है 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 ना ना वही वाला है, एकसेप्षन, एकसेप्षन का है ये, कि अगर ट्राई में अगर कोई भी आता है, तो अगर इस तरह का आया तो ये काम होगा और ये एक्सेप्शन में हम कोई नाम नहीं दिए हैं किस तरह का एक्सेप्शन इसका मतलब ये कोई भी तरह एकसेप्षन 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 कर लेगा. तो अगर यहां जीरो काम करेगा और अगर इंडेक्स वाला प्रॉब्लम आया

इसीलिए अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट तो मैच करेगा ही देखो अनडिफाइंड एक्सेप्शन मतलब यहां पे तो थ्रो हुआ ना कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो ये पकड़ लिया उसको क्योंकि ये ऐसा एक्सेप्शन एक्सेप्ट except है जो हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर सकता है अगर हम लिख दिए एक्सेप्ट जीरो सिर्फ जीरो डिवीजन को ही पकड़ेगा अगर लिख दिए एक्सेप्ट इंडेक्स एरर वो सिर्फ इंडेक्स एरर को ही कैच करेगा उसी को पकड़ेगा उसी तरह के एरर को पकड़ेगा लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट लिख दिए इसके बगल में कुछ नहीं लिखे तो ये हर तरह के को पकड़ेगा तो बोलो इतना दूर तक क्लियर है सबका या किसी को कोई डाउट है सर ठीक क्लियर है सर ठीक है

एल्स का काम क्या है मैंने ट्राई के अंदर एक्सेप्ट भी होता है मैंने ट्राई के साथ और ट्राई का एल्स भी होता है एल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्ट काम करेगा एल्स काम नहीं करेगा और अगर एक्सेप्शन नहीं मिला तो हमारा एल्स काम करेगा मैंने एल्स एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन अगर नहीं आया तो वो काम करेगा देखो रन करो तो क्या बोला हेलो पाइथन ये सही है लिस्ट ट्राई के अंदर गया फाइव बाई जीरो ना तो, आ गया, तो ये उसको पकड़ लिया, बोले ट्राई नहीं मिला फाइव बाई थ्री कर दो तो क्या बोल रहा ट्राई में फाइव बाई थ्री ये तो सही है ना गलती तो नहीं है तो एक्सेप्ट काम नहीं करेगा एल्स काम लेकिन करेगा एल्स किसका होता है एक्सेप्ट का एल्स होता है कि अगर एक्सेप्ट काम किया तो एल्स काम नहीं करेगा और एक्सेप्ट काम नहीं किया तो एल्स काम करेगा समझ रहे हो ना मतलब एक्सेप्ट का एक तरह से एल्स होता है कि अगर एक्सेप्शन आएगा तो एल्स काम नहीं करेगा और एक्सेप्शन नहीं आया तो एल्स काम करेगा ये कैसा ब्लॉक होता है एल्स जो अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो ये काम करता है तो देखो अभी एक्सेप्शन नहीं है तो ये काम किया ना नो एक्सेप्शन ऑकर्ड फिर बाय पाइथन बोलो समझ में आया सबको एल्स का काम क्या है यस सर ठीक ये एल्स हुआ अब एक होता है फाइनली फाइनली ब्लॉक क्या होता है फाइनली भी ट्राई का ही होता है जैसे एक एल्स होता है वैसे एक फाइनली होता है फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है और एक ट्राई एक्सेप्ट

तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन आए या ना आए एग्जीक्यूट तो होगा बोलो समझ में आया है या कोई डाउट है क्लियर ठीक सर वो जो एरर बताते हैं जैसे एक्सेप्ट के आगे हुँ. तो वो मतलब उसका कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है मतलब जैसा उसमें लिखा होता तो है हाँ, हाँ हाँ तो इसके लिए क्या करना कि आप लोग पे सर्च कर सकते हो कि पाइथन एक्सेप्शन हायर है ना चलो हायर की देखते हैं बिल्टिन तो एक्सेप्शन पाइथन एक्सेप्शन हायर की यहाँ जाओ देखते हैं यहाँ पर दिया है कि नहीं आ, देखो यहाँ पे क्या है एक सिर्फ एक्सेप्शन है इसके बारे में पढ़ लेना कि ऑल बिल्ट इन नॉन सिस्टम एक्सेप्शन डिराइव फ्रॉम दिस क्लास अरिथमेटिक एरर बफर एरर लुकअप एरर जैसे अरिथमेटिक एरर में क्या आ रहा है ओवरफ्लो जीरो डिवीजन था ना जीरो पॉइंट एरर एक सेकेंड एक कॉल रिसीव

उसी तरह से अगर मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट एरर हुआ तो फ्लोटिंग पॉइंट नॉट करेंटली यूज फिलहाल अभी यूज नहीं हो रहा है ठीक है तो इसमें तो खैर ये पूरा दे दिया है इतना डिटेल पढ़ना होगा तो आप यहां पे जाइए नहीं तो शॉर्ट में अगर जानना होगा तो है ना पाइथन एक्सेप्शन बेस क्लासेस देखो ट्यूटोरियल पॉइंट देखते यहां पे क्या है हाँ एक्सेप्शन अर्थमेटिक एरर के अंदर में फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो जीरो डिवीजन एरर इंपोर्ट एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड बहुत दर होता है ना कि हम लोग कोई पैकेज को इंपोर्ट करते हैं हम यहां पे क्या लिख दिए इंपोर्ट एबीसी डॉट डीडी डी बताए थे ना आप लोगों को मॉड्यूल वगैरह कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ऐसा तो कुछ है नहीं इंपोर्ट कीजिए इसको तो क्या बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर नो मॉड्यूल नेम ए डॉट डी कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को ये क्या है तो यही यहां पे दिया हुआ है कि कभी कभी इंपोर्ट एर भी हो सकता है कि ऐसा पैकेज मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे जो है ही नहीं की एरर इंडेक्स एरर होता है लुकअप एर कोई इंडेक्स नंबर की जैसा डिक्शनरी वगैरह में की वैल्यू होता है की एरर चलिए हम लोग एक काम करते हैं माई डिक्ट इक्वल टू रोल में फाइव कॉमा नेम में आकाश प्रिंट माई डिक्ट? तो फाइव आया माई डिक्ट का नेम आकाश आया यहां पे की लिखते हैं ना आप यहां लिख दो मार्क्स तो बोल रहा की एरर मार्क्स में कोई की है ही नहीं डिक्सनरी के अंदर में इंडेक्स एरर होता है ना बहुत बार दिखाता है इंडेक्स एरर जैसे देर पहले का इंडेक्स थे, इंडेक्स आउट रेंज, आउट रेंज, यहां से आप पढ़ सकते हो कितना कितना डायरेक्ट एर फाइल फोल्डर जब पढ़ेंगे ना तब ये आएगा उस टाइम में ठीक है रेफरेंस एरर कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्लास ऑब्जेक्ट में आएगा सिंटेक्स एरर वैल्यू एरर कोई अगर वैल्यू गड़बड़ हो गया तो वहां पे वार्निंग है ये सब तो इतना तरह का एक्सेप्शन होता है इसके बाहर नहीं है तो यहां से पढ़ सकते हो इसको क्या क्या होता है बट अगर कुछ नहीं पढ़ना है तो कुछ मत लिखिए डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए क्योंकि तो बगल में लिखने की जरूरत है आप ऐसे ही लिख दीजिए अगर सबके लिए एक ही तरह का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ ये एक्सेप्ट यूज कीजिए लेकिन अलग अलग तरह के एक्सेप्शन के लिए अलग अलग तरह का एक्शन लेना है तो फिर आपको आप लिखना पड़ेगा कि अगर जीरो डिविजन हुआ तो ये करो इंडेक्स एरर हुआ तो ये करो की एरर हुआ तो ये करो तो अलग अलग एक्सेप्शन आपको अलग अलग एक्टिविटी करना है तो आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा लेकिन चाहते हो कि सबके लिए सेम काम करो बस प्रोग्राम से बाहर मत निकलने दो तो ये वाला एक्सेप्ट यूज कर लीजिए बोलिए समझ में आया या कोई डाउट हो रहा है क्लियर है आगे था ठीक है तो हम लोग का एक्सेप्शन खत्म एक्सेप्शन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं तो बस इतना ही है इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बस